हेलो सौरभ बोलिस। बोलिए कौन बात कर रहा है? तेरी बीवी का नाम रिचा है ना? हाँ। तेरे को जो करना है तू करके देख ले, मोहब्बत करिया है मैंने मोहब्बत। आपका नाम क्या बताया आप? सबीर। रिचा से पूछना जिसकी बाहु में रिचा रहती थी ना। थोड़ा तमीज से बात कीजिए। देख हम क्या करते हैं और चिल्लाइए मत। मेरा मोहब्बत हमसे दूर चला गया। देखिए हम क्या हम ऐसा हकला आदमी से शादी कर लिया रिचा। बोले थे हम उसको रानी बना के रखेंगे। पुरानी बात होगी। देख अब तेरे को जो करना है तू कर, मैंने जो करना था मैंने कर दिया और आगे भी करूंगा, तू देख क्या होता है। आप थोड़ा तमीज से बात कीजिए। हेलो सिक्योरिटी बोल रहे थे सर, पार्किंग से। हाँ बोलो सर। एक आदमी आया था सर, गाड़ी पे लिख के गया सर ऐसे खुरच के, शब्बीर लव्स रिचा। अब तुम क्या बे, रोके क्यों नहीं उसको? सर हम तो रोकने गए थे सर, हमको ऐसे कंटा मार दिए। पूरा गाल लेना 2 इंच अंदर घुस गया, हाथ भी अंदर घुस गया सर, बहुत गठीला। सिक्योरिटी गार्ड हो तुम? सर रिचा क्या आपकी बीवी का नाम है सर? भाभी। भाभी ना सबीर के साथ में बहुत खुश रहेगी भैया, आप जाने दीजिए। गजब का बॉडी बनाई सर, रॉक का बॉडी है, आप उसके सामने एकदम लपू झन्ना लगेंगे सर। नीचे आ रहा हूँ मैं, रुक। कोई फायदा नहीं होगा भैया, हम घर चले जा रहे हैं, हमको बहुत मारा है, गाड़ी पे लिख दिया एकदम नोच के। तू फोन रख, मैं नीचे आ रहा हूँ तेरे को बताने के लिए, रुक। हेलो, तेरा बाप सबीर बोल रहे हैं। भाई छोड़िए, भाई छोड़िए। अरे छोड़ना ना कुछ नहीं है, कंटा वंटा निकालो इधर, में ऑफिस में जाके ठोक के आएंगे। अरे भाई छोड़िए ना भाई, काहे छोड़े? खुश है वो मेरे साथ, वो आपकी पुरानी बात होगी। वो अपना दुख तेरे को नहीं बता पा रही है। वो जब सबीर के पास में आएगी ना, उसका आंख से जो आंसू निकलेगा ना, तो सबीर किसी को छोड़ेगा नहीं। अब बता दे रहा है। नहीं भाई रोइए मत भाई, भाई का आंसू नहीं निकलना चाहिए। लड़का लोग आंसू पोंछो भाई का। अगर आप चाहते हैं तो आप आराम से घर आइए, मेरे सामने बात बात कर लीजिए। तू नहीं रहेगा तब मैं घर पे आएगा रिचा से मिलने के लिए। देखो जो करना तू कर ले, शादी हो गई है हमारी, हम दोनों। अरे वो तो गलती से उसको करना पड़ा, मैं जेल के अंदर था ना मर्डर केस में, अभी बाहर निकला है। अब तो मैं खेल दिखाएगा तेरे को, देख सबीर का खेल। ऐसा ना करे ऐसा। सुनो हम जेल से पैरोल लेके तेरा शादी में आए थे 3 बार बिरयानी खाने, समझा? एक आंख से आंसू नहीं निकाले, लेकिन अब बहुत हुआ। बोल के लिया था कि भाभी को रानी बना के रखेगा, नौकरानी बना के रखा है। देख घर का काम करा इस मेरा रानी से, हमारे घर के मैटर में फीस ना पड़े, हम दोनों खुश है। और अभी अपने है ना? बहुत खुश है तो अभी खुश है तो आप भी डरिए मत, खुश रहिए। काहे कि हम आरजे प्रवीण बोल रहे हैं रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा है।